हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं बंटी और आपका बहुत बहुत स्वागत हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल BNT यूनिक के ऊपर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यूट्यूब 1000 व्यू पे कितने पैसे देता है। तो दोस्तों, ये बात बड़ी कॉमन बात है, अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हैं, यूट्यूब पर वीडियोज़ अपलोड करते हैं, तो ये बात आपसे काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट करके पूछी होगी, या आपको फेस टू फेस मिलकर कहा होगा, आपको मैसेज करके पूछा होगा, या किसी ना किसी थ्रू से आपसे पूछा होगा। तो दोस्तों, मेरे से भी ये बात पूछी जाती है कि YouTube आपको 1000 व्यू के कम से कम कितने पैसे देता है। वैसे कि फ्रेंड्स, मेरा मोनेटाइजेशन अभी तक ऑन हुआ नहीं है दोस्तों, बट काफ़ी सारे लोग जिनको ये नॉलेज नहीं है कि मोनेटाइजेशन क्या होता है, ऐड कैसे आती है, क्या है, तो वो लोग ये बात ज़रूर पूछते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों के माइंड में ये डाउट भी है कि भाई, या ये माइंड में ये थ्योरी भी है कि मतलब कितने व्यू पे कितने उनको डॉलर या कितने पैसे मिलते हैं। तो दोस्तों, उसी बात को आज मैं क्लियर करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि यूट्यूब और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई सबसे पहले आपको न्यूज़ मिल सके दोस्तों। तो दोस्तों, अब बात करते हैं 1000 व्यू पे कितने पैसे मिलते हैं। तो दोस्तों, व्यूज़ पेमेंट के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। आपके पास मतलब, जैसे कि आपके पास एक वीडियो के ऊपर 10 लाख व्यू आ रखे हैं, उससे आपके जो पेमेंट इनकम या रेवेन्यू से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। क्योंकि फ्रेंड्स, जो रेवेन्यू जुड़ता है वो रेवेन्यू होता है आपके ऐड के ऊपर। तो फ्रेंड्स, उस पर भी काफ़ी सारी मतलब काफ़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, मैं डीपली आपको समझाता हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स, आपका एक, जैसे मान लो आपने एक वीडियो अपलोड किया, आपका मोनेटाइज ऑन हो रखा है, अब उसके ऊपर फ्रेंड्स व्यू आ गए, जैसे कि 10,000 व्यू आ गए मान लो, फॉर एग्जांपल। अब 10,000 व्यू आपका रेवेन्यू डिपेंड करता है, एक तो आपकी वीडियो की कैटेगरी है कि आपके कौन से कैटेगरी का आप वीडियो बनाते हैं। जैसे टैग वालों का अलग पेमेंट मिलता है, और जैसे ब्लॉग वालों का अलग बनता है, एक्सपेरिमेंट वालों का अलग मिलता है, गेमिंग चैनल को अलग मिलता है, सभी को एक अलग एक पेमेंट मिलता है। अब दोस्तों, ये चीज़ उस पर भी डिपेंड की जाती है कि आपका वीडियो किस किस कंट्री में देखा जा रहा है। अगर आपका वीडियो जैसे कि अमेरिका जैसी बड़ी कंट्री के अंदर आपका वीडियोस देखा जा रहा है, तो आपका रेवेन्यू कुछ अप लेवल पे मिलेगा। तो दोस्तों, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। अब डिपेंड करता है आपके उसके ऊपर कौन से ऐड आ रहे हैं दोस्तों। अगर आपके उसके ऊपर इंडियन ऐड आ रहे हैं तो आपको अलग रेवेन्यू मिलेगा, और अगर आपको उसके ऊपर जैसे कि अमेरिकन ऐड या कोई इंग्लिश ऐड या कहीं बाहर का ऐड दिखाई दे रहा है, तो उसका एक अलग रेवेन्यू मिलेगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि स्क्रिप्ट वाले और विदाउट स्क्रिप्ट ऐड, तो उसके ऊपर भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है फ्रेंड्स। स्क्रिप्ट वालों पे अलग पेमेंट है, विदाउट स्क्रिप्ट वालों पे अलग है। और फ्रेंड्स, स्क्रिप्ट वालों पे ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है, बट फ्रेंड्स उसको काफ़ी लोग स्किप कर देते हैं। तो बिना स्क्रिप्ट के अगर लोग ज़्यादा उस ऐड को देखते हैं, तो वहाँ पर आपको अच्छा खासा पेमेंट मिल जाएगा। अब दोस्तों, कुल मिला के बात यही रही कि अगर आपको YouTube अगर पेमेंट करता है, तो वो रेवेन्यू पेमेंट होता है आपका ऐड के ऊपर। तो सारा ही व्यूज़ के ऊपर कुछ भी डिपेंड नहीं होता। हाँ, ये है कि व्यूज़ आएंगे तो ही ऐड आएंगे, ये बात सही है। फिर भी फ्रेंड्स, ये कहना गलत होगा कि पेमेंट उसका मिलता है, व्यूज़ का मिलता है, तो ये बात कहनी गलत होगी। आपको जो भी पेमेंट मिलेगा, जो भी आपका रेवेन्यू बनेगा, वो बनेगा फ्रेंड्स आपके ऐड के ऊपर, और ऐड कैटेगरी ये सभी उस पर डिपेंड करती है कि आपको कितने। अब उसमें 1000 व्यू, 10,000 व्यू, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना हो, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में।